सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो छोटी छोटी 8 से 10 10 मिनट की ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो आपके जितने भाई बंधु उन सबको शेयर जरूर करिएगा। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं घर पे बैठे, तो हमने आज बैच शुरू किया है। 1 बजे का टाइम है, फर्स्ट ग्रेड का LDC का बैच शुरू कर चुके हैं। मात्र 1499 रुपए में LDC आपको मिलेगा, घर बैठे आप तैयारी कीजिए। फर्स्ट ग्रेड का मात्र 2499 में PTI भी हमने ऑनलाइन बैच शुरू किया है। संकल्प ऐप गंगानगर को डाउनलोड कीजिए, सारी आपको डिटेल मिलेगी। आज टॉपिक लेके आया हूं मैं राजस्थान के प्रजामंडल। अब ये जो प्रजामंडल का टॉपिक है, अगर आप पूरा ध्यान से मेरे साथ दोहराते रहेंगे तो 19 जो प्रजामंडलों की लिस्ट है ये आपको अभी 8 से 10 मिनट में याद हो जाएगी। आप एक ही काम कीजिए, मेरे साथ बार बार दोहराएंगे। आज मैं केवल आपको प्रजामंडल के अंदर किस प्रजामंडल का कौन संस्थापक था वो याद कराऊंगा। एक दिन कभी फिर वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको मैं सन भी साथ में याद करा दूंगा। आज कराऊंगा तो मिक्स हो जाएगा आपके लिए। केवल 10 मिनट और प्रत्येक प्रजामंडल का संस्थापक हम याद कर देंगे। दोहराते रहिए मेरे साथ। जयपुर का कैपुर, इसको पढ़ो ही बस ऐसे। जयपुर का कपूर है कपूर चंद पाटनी, जयपुर का कपूर बूंदी में आई कांति, बूंदी में आई कांति, बूंदी में आई कांति, ऐसे याद रख लो। कांति कौन लेके आए? जैन लेके आए। बूंदी में आई कांति, कांति लेके आए जैन। जयपुर का कपूर है, जयपुर का कपूर है कपूर चंद पाटनी, बूंदी में आई कांति लेके आए जैन। मारवाड़, देखो 3 प्रजामंडल, बहुत आसान है। एक मारवाड़, एक मेवाड़, एक डूंगरपुर, 3 प्रजामंडल। तीनों के गांधी याद रख लो। डूंगरपुर यानी बागड़, डूंगरपुर यानी बागड़। मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास, मेवाड़ का गांधी माणिक्य लाल वर्मा, डूंगरपुर यानी बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। अब देखो, मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास, याद रखना है कि मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? यह तो सबको याद है, मेवाड़ का गांधी माणिक्य लाल वर्मा। आगे हम पढ़ेंगे, जब डूंगरपुर आएगा तो भाई बागड़ लिख करके बोल देंगे कि भाई बागड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो आप कह देना भोगीलाल पांड्या। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। वापिस चलता हूं। जयपुर का कपूर याद हो गया, बूंदी में आई कांति लेके आए जैन, मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास। बीकानेर बाहर जाकर बिका था, मतलब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना यहां नहीं हुई, कलकत्ता में हुई, और महंगा बिका था, महंगा बिका था बीकानेर, महंगा मग्घा, मग्घा रामवेद। बाहर कहां? कोलकाता में। बाहर कहां? कोलकाता में। बीकानेर बाहर बिका, महंगा बिका मग्घा राम, मग्घा राम वेद याद करो। शाहपुरा के जो लास्ट में रह है, शाहपुरा रह से इसका लास्ट रह, इसका फर्स्ट रह, शाहपुरा का रह से रमेश चंद्र बना दो ओझा, शाहपुरा रह से रमेश चंद्र ओझा। जयपुर का कपूर बूंदी में आई कांति लेके आई जैन, मारवाड़ का गांधी जय नारायण, बिक्का मग्घा मग्घा राम वेद, और शाहपुरा का रह और इधर रह याद रखो रमेश चंद्र, मेवाड़ का गांधी माणिक्य लाल। अलवर में है सरिस्का, अलवर में है सरिस्का, आपको याद है ना अलवर में है सरिस्का, बताओ किस लिए प्रसिद्ध है, बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? बस एक आप थोड़ा सा जोड़ो, मैं ये कहता हूं हमेशा के लिए याद रहेंगे। अलवर सरिस्का हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है ना, अलवर का हरी। भरतपुर को ब्रज बोलते थे, ब्रज बोलोगे तो किशन जी याद आएंगे, भरतपुर को ब्रज बोलेंगे, ब्रज बोलेंगे तो किशन जी याद आएंगे। बस
भरतपुर को ब्रज बोल दो, ब्रज बोलोगे तो किशन जी याद आएंगे, ब्रज किशन जी, भरतपुर ब्रज किशन जी, अलवर का हरी, भरतपुर का किशन, धौलपुर की ज्वाला याद रखना है, धौलपुर की ज्वाला याद रखनी है, धौलपुर की ज्वाला याद रखनी है, अलवर में अलवर सरिस्का हरे कबूतर हरी नारायण, भरतपुर ब्रज किशन जी, धौलपुर की ज्वाला, धौलपुर की ज्वाला, धौलपुर की ज्वाला, बूंदी में भी कांति, किशनगढ़ में भी क्रांति, लेकिन याद रखो बूंदी में कांति कौन लेके आए, जैन, और किशनगढ़ वो रियासत थी जो मराठों को चौथ नहीं देती थी, है तो कांतिलाल लेकिन ये चौथानी है, और याद रखने के लिए देखो राजस्थान में तीन ऐसी रियासतें थी जो मराठों को चौथ नहीं देती थी, बीकानेर किशनगढ़ और जैसलमेर, तो किशनगढ़ मराठों को चौथ नहीं देती थी, चौथ नहीं देती थी, याद रखना है किशनगढ़ का चौथानी है, किशनगढ़ का चौथानी है, किशनगढ़ का चौथानी है, बूंदी में कांति जैन लेके आए, किशनगढ़ तो चौथ नहीं देती थी मराठों को, है ना, अलवर का हरी, भरतपुर ब्रज, ब्रज यानी किशन याद रखना है, और धौलपुर की ज्वाला याद रखनी है, धौलपुर की ज्वाला याद रखनी है, शाहपुरा के रह, रह से याद रख लेना, शाहपुरा का अंतिम रह इधर से फर्स्ट रह याद आ जाएगा, जयपुर का कपूर, बूंदी में कांति याद रखो, नेक्स्ट देखो करौली, के से करौली, के को उल्टा लिख दें तो त्रै से त्रिलोक, याद ही तो रखना है, इधर के इधर त्रै, करौली त्रिलोक, त्रिलोक चंद्र माथुर, कोटा का कोट नया याद रख लो, कोट नया याद रख लो, कोट नया, कोटा का कोट नया, कोटा का कोट नया, के को उल्टा करेंगे तो त्रै, जैसे होता है ना तेरा आरजे नंबर, तो गंगानगर का उल्टा कर दो तो 31 हनुमानगढ़ का, तो के करौली उल्टा त्रै करोगे तो त्रिलोक चंद, सिर पर पड़े भाटे, सिर पर पड़े भाटे, सिर पर पड़े भाटे, सिर का भट्ट, सिर भाटे भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी, सिर पर पड़े भाटे, सिर पर भाटे भट्ट, एक होता है ना कि भाई किसी का हालचाल पूछते हैं तो बोलते हैं ना कुशल भंवर, सब कुशल भंवर में है, याद रखना है कुशल भंवर, भाई सब कुशल भंवर है, कुशल भंवर है, अपने कहते हैं हां जी सब कुशल मंगल, लेकिन अपने बोल दो कुशल भंवर, तो कुशलगढ़ का भंवर लाल, कुशलगढ़ का भंवर लाल, कुशल भंवर, सिर पर बाटे भट्ट सिरोई का, है ना, बूंदी में कांति लेके आए जैन, और किशनगढ़ में कांति तो आई लेकिन चौथानी, क्योंकि बूंदी वो रियासत जो चौथ नहीं देती थी मराठों को, याद करना है अपने को, तो अब कि बांस तो हमेशा ही भूमि पर उगते हैं, देखो रट्टा मारने को मारते रहो, समझना है तो एक हिंटी वो है कि बांस तो भूमि पर उगते हैं, भू पर, है ना, बांस भू पर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जैसलमेर में मीठा कुआं, है ना चंदन अलकुप, मीठे पानी का कुआं, याद तो हो ही गया, याद तो है, बस जोड़ना था कि जैसलमेर में मीठा कुआं, जैसलमेर में मीठा कुआं, प्रतापगढ़ की चीनी, प्रतापगढ़ की चीनी अमृत के जैसी है, प्रतापगढ़ की चीनी अमृत के जैसी है, चुन्नी लाल अमृत लाल, प्रतापगढ़ की चीनी अमृत के जैसी है, के को उल्टा त्रय करोगे तो याद हो गया करौली का, कोटा कोट नया नहीं नैनू राम, सिर पर परे भाटे तो याद हो गया, कुशल भंवर किस क्या हाल है, कुशल भंवर सब बिल्कुल, डूंगरपुर बागड़ भोगीलाल याद हो गया, बागड़ का गांधी, बांस हमेशा भूमि पर उगते हैं तो याद हो गया, जैसलमेर में मीठा पानी का कुआं तो याद हो गया, प्रतापगढ़ की चीनी अमृत के जैसी है, प्रतापगढ़ की चीनी अमृत के जैसी है, झाला देकर मांगा, इसको क्या याद करना है बताओ, बोलते ना कि झाला देकर मांगा, झाला देकर मांगा, मांगी लाल भवे, झाला देकर मांगा, झाला देकर मांगा, मैं ये कहता हूं कि ये टॉपिक, और सीधा प्रश्न आता है किस प्रजामंडल का कौन सा संस्थापक था, या तो ये आएगा या स्थापना कब हुई, एक दो प्रजामंडल है उनकी जिसे वो परिषद का अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैं आज आपको जो याद कराने आया हूं वो सिर्फ और सिर्फ संस्थापक है, कभी एक दिन सन भी याद करा दूंगा, देखिए वापिस
जयपुर का कपूर, जयपुर का कपूर बूंदी में कांति लेके आए जैन, बूंदी में कांति लेके आए जैन, मारवाड़ का गांधी जैन, व्यास बीकानेर महंगा बिका मघाराम, मघाराम वेद, शाहपुरा का रह लास्ट वाला शुरुआत में रह लगा दो रमेश चंद्र बन गया, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा याद रख लो, अलवर में हरे कबूतर याद है सबको, भरतपुर यानी ब्रज, ब्रज यानी श्री कृष्ण जी याद रख लो, अलवर के बाद धौलपुर याद हो गया, देखो धौलपुर की ज्वाला है, धौलपुर की ज्वाला है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, किशनगढ़ में भी कांति आई, बूंदी में आई बूंदी, दो अक्षरों का बूंदी, दो अक्षरों का जैन, बूंदी में कांति लेके आए जैन, लेकिन किशनगढ़ में लेके आए चौथानी, बूंदी किशनगढ़, किशनगढ़ वो रियासत जो चौथ नहीं देती थी किशनगढ़। अब उसके बाद के को उल्टा करोगे तो त्रय याद हो गया, कोटा कोट नया नहीं, कोट नया नहीं याद हो गया, सिर पर पड़े भाटे याद हो गया, अगर मैं कहूं कुशल भंवर, कुशल भंवर तो आप याद रख लेना, कुशलगढ़ का भंवरलाल याद हो गया, डूंगरपुर, डूंगरपुर तो डूंगरपुर, बागड़, बागड़ का गांधी हो गया भोगीलाल पांडे, भोगीलाल, और बांस हमेशा भूमि पर उगते हैं, बांस हमेशा भूमि पर उगते हैं याद रखिएगा, प्रतापगढ़ की चीनी अमृत के जैसी याद रखिए, और झाला देखकर मांगा। अब बताओ मैं अचानक से आपसे पूछता हूं शाहपुरा, तो आप कहोगे शाहपुरा रह रमेश चंद्र याद हो गया, झाला देकर मांगा मांगीलाल याद हो गया, सिर पर पड़े भाटे भट्ट सिरोही का भट्ट याद हो गया, मारवाड़ गांधी जैनरायण, मेवाड़ का गांधी आप कहोगे माणिक्यलाल, चलो याद हो गया, तो डूंगरपुर यानी बागड़, बागड़ का गांधी भोगीलाल याद हो गया, किशनगढ़ में क्रांति लेके आए थे चौथानी, है ना, बड़ा नाम है चौथानी, बूंदी में कांति, दो अक्षरों का जैन, है ना, तो वैसे याद रख लो, जयपुर का कपूर याद हो गया, जयपुर का कपूर याद हो गया, फिर उसके बाद में अगर और मुश्किल है क्रोली, अरे भाई के को उल्टा करेंगे तो त्रय हो गया, त्रिलोकचंद हो गया, तो आपके लिए ये बहुत आसान है, अलवर का हरी हो गया, भरतपुर ब्रज किशन जी हो गया, धौलपुर की ज्वाला याद रख लो। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक टॉपिक बोलते हैं इसको प्रजामंडल, सीधा पर्सन आई संस्थापक तो मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे वीडियो शुरुआत की है, कैसी लगी, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा आपको, क्लास के अंदर याद होते रहेंगे, और यदि आप ऑफलाइन से जुड़ना चाहें तो हमारे रीट मेंस एलडीसी प्लस फर्स्ट ग्रेड के सबके नए बैच शुरू हो चुके हैं कल से ही, और शुरू हो रहे हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा, और रात्रि 8:30 की क्लास में आज ऊर्जा का टॉपिक लेके आ रहा हूं, तैयार रहना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप ग्रुपों में शेयर करिए, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।